अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैंने बनाए हैं सोयाबीन आलू। यह सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, आप भी अपने घर में ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। ये देखिए, सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए इधर ली है मैंने एक कटोरी सोयाबीन, जो मैंने गर्म पानी में भीगने रख दी थी। ये देखिए, मैंने 15 मिनट पहले इसे गर्म पानी में रख दिया था भीगने के लिए। ये भीग कर कुछ इस तरह से हो जाती है, ये देखिए परफेक्ट भीग चुकी है और ये बहुत फूल कर मोटी सी हो जाती है। इधर देखिए, मैंने दो आलू लिए हैं, उन्हें देखिए ऐसे स्लाइस में काट लिए हैं। आप किसी भी शेप में आलू काटिए। ये देखिए, मैंने सब्जी की ग्रेवी बनाने के लिए इधर लिए हैं दो टमाटर और ये हरी मिर्च, और इधर लिए हैं मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज, और इधर लिया है मैंने लहसुन और दो हरी इलायची, 5 काली मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा, लहसुन की कटिंग और 3 लौंग और ये दालचीनी का टुकड़ा। आप मसालों को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इधर देखिए, मैंने सब्जी बनाने के लिए गैस पर रख दिया कढ़ाई और उसमें 1 चम्मच डाला है तेल। इन सब्जी को हम फ्राई करेंगे। ये देखिए, तेल गरम हो चुका है तो इसमें ऐड कर देंगे हम अपने आलू, और इन आलू को हम थोड़ा सा ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये देखिए, आलू अच्छी तरह से भुन रहा है। ये देखिए, आलू अच्छी तरह से तल चुके हैं, अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये करीब 2 मिनट में ही अच्छी तरह से भुन जाएगा। ये देखिए, मैंने एक बाउल में इन्हें निकाल लिया है और उसी तेल में मैंने डाली है सोयाबीन की बड़ी। ये देखिए, सोयाबीन की बड़ी भी इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें भी अच्छी तरह से इसमें तलेंगे और इनको भी हल्का सा ब्राउन होने तक तल लेंगे। ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है और इसे पूरी, पराठे के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं आप। ये सभी के साथ अच्छी लगती है। ये देखिए, सोयाबीन की बड़ी भी अच्छी तरह से तल चुकी है, इन्हें भी इसी बॉल में निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारी बड़ी हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने रख दिया है इसमें 1 चम्मच तेल गरम होने के लिए। गरम होते ही मैंने इसमें डाला है सरसों के दाने और इसी में ऐड कर दिया मैंने जीरा, और इसी में ऐड कर दिए हरी मिर्च। और इसमें डाल देंगे हम 2 पत्ते और इन्हें अच्छी तरह से सोटे करेंगे। अब इसी में हम ऐड कर देंगे अपनी प्याज जो हमने मिक्सी में पीस ली थी, और इन्हें अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाला बनाने के लिए हमें प्याज को बहुत अच्छी तरह से भूनना होता है ताकि इसका सारा कच्चापन निकल जाए, तभी सब्जी में अच्छा जायका आता है। ये देखिए, प्याज अच्छी तरह से भून चुकी है। ये करीब 2 मिनट तक मैंने अच्छी तरह से भुना इन्हें। और प्याज के भुनते ही हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन, अदरक और ये मसाले हमने लिए थे खड़े, वो भी मैंने इनके साथ पीस लिए थे, उन्हें भी सब साथ में मिला देंगे। अब इनको भी अच्छी तरह से भूनेंगे। ये भी देखिए, मैंने 1 मिनट तक इनको भी अच्छी तरह से भूना है। अब गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और इसी के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर।
ये देखिए मैंने टमाटर को भी मिक्सी में पीस लिया था, उन्हीं को भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहे चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने पीस के डाले हैं। और इन्हें भी 2 मिनट तक के लिए हम अच्छी तरह से भून लेंगे। और इधर देखिए मैंने ली है आधा आधा कटोरी दही, और मैंने इधर लिए हैं कुछ सूखे मसाले। ये देखिए मिर्च, नमक अपने हिसाब से डालिएगा, धनिया पाउडर और ये हल्दी। मसाले आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कम या ज़्यादा। ये देखिए मैंने इसमें दही में ऐड कर दिए हैं ये मसाले, और इन्हें अच्छी तरह से मिलाएंगे। दही के अंदर ये सारे मसाले हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से मिल जाते हैं, कितना अच्छा कलर आया है दही का। ये देखिए इधर मैंने ढक के पकाए ये टमाटर। ये देखिए मसाले भी अच्छी तरह से भुन चुके हैं, और मसालों के भुनते ही हम इसमें ये जो हमने मसाला बनाया था ये इसमें ऐड कर देंगे। अब इनको भी हम करीब 2 मिनट तक अच्छी तरह से ढक के पकाएंगे। देखिए अच्छी तरह से चला दिया है इनको। हम इन्हें ढक के पका लेंगे। ये देखिए ढक के पका दिए। और ये देखिए मैंने यहाँ पे ना ये सब्जी ऐड कर दी है, थोड़ा मैंने यहाँ पे सूट नहीं किया था तो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। मसाला भुनते ही मैंने अपनी सब्ज़ी ऐड कर दी, आलू और सोयाबीन, उनको भी हम एक साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। अभी हम इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे, इन्हें पहले अच्छी तरह से हम भूनेंगे। ये देखिए और भूनने के बाद ही हम इसमें आधा गिलास पानी डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डालिएगा, अगर आपको ज़्यादा शोरबा चाहिए तो आप ज़्यादा डालिएगा, अगर कम तो आप कम ही रखिए पानी। ये देखिए मैंने सिर्फ इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया है। अब इन्हें हम 5-10 मिनट के लिए अच्छी तरह से ढक के पकाएंगे। ये देखिए मैंने 10 मिनट के बाद ढक्कन खोला है। देखिए हमारे आलू अच्छी तरह से गल चुके हैं और बड़ी भी अच्छी तरह से हो गई हैं। ये देखिए सब्जी बिल्कुल बन गई है हमारी। और इसी में ऐड कर देंगे हम कस्तूरी मेथी। कस्तूरी मेथी को आप थोड़ा सा क्रश कर लेना, और इसी में ऐड कर देंगे हम हरा धनिया। ये देखिए सब्जी बिल्कुल अच्छी तरह से बन चुकी है। ये देखिए सब्जी का कलर कितना अच्छा आया है। और हम गैस का फ्लेम को कर देंगे बंद। ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिए। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से इसकी ग्रेवी तैयार हुई है और कितनी अच्छी बनी हुई है।